हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा बैरोमीटर का। ये डिवाइस मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट प्रेशर निकालने का तरीका है और इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पता लगेगा कि प्रेशर के जो यूनिट थे 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर, वो कहाँ से आए थे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला दूंगा जो आपके एडवांस के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैरामीटर्स ऑफ गैसेस। तो चार पैरामीटर्स ऑफ गैसेस थे, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। प्रेशर के अंदर मैं एक फार्मूला बताना भूल गया था, जो ये है, प्रेशर इज इक्वल टू dgh। डी होती है हमारे पास डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटेशनल पुल और एच होती है हमारे पास हाइट। तो ये फार्मूला कहाँ से आया होगा वो भी आज थोड़ा सा हम लोगों को पता लग जाएगा इस वीडियो से। तो यहाँ पे इसका इन्वेंशन किसने किया था हमारे पास, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। किसने किया था, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। अच्छा देखिए, मैं तो देसी आदमी हूं तो मैं तो इसके अंदर से कुछ साइलेंट करूंगा नहीं, तो नाम पूरे दिल से लेना, मैंने भी दिल से लिया, आप भी इसका नाम दिल से लेना, क्योंकि बंदा अब इस दुनिया में रहा नहीं है। और एक बहुत ही अच्छा काम कर गया था ये, 1643 के अंदर बैरोमीटर का इन्वेंशन कर गया था। तो चलिए देखिए इसने क्या लिया। अच्छा, बैरोमीटर के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसे देखिए, अगर मेरे पास इन एनी केस, अगर मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे मेरे पास गैस पड़ी हुई है और कंटेनर क्लोज्ड है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जितना ज़्यादा मेरी कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। आई रिपीट, ये जितना ज़्यादा मेरी वॉल पे स्ट्राइक करेंगे उतना ही मेरे पास ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे एनवायरमेंट में एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम सबको पता है, उन मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आते हैं, वो नीचे आके जिस भी एटमॉस्फेयर पे स्ट्राइक करेंगे, जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, वो उसका प्रेशर हो जाएगा और उसको मैं कह देता हूं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुल मिला के एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी आपकी गैसेस प्रेजेंट हैं उन पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्लास ट्यूब कंसिडर कर रखी है, ग्लास ट्यूब ऊपर से मेरे पास क्लोज है, उस पूरी ग्लास ट्यूब के अंदर अभी मैंने मरकरी फिलअप कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास अगर मेरा मार्कर है, इसको मैं मान लूँ ग्लास ट्यूब का एक एंड सील्ड है, इसके अंदर पूरी मैंने मरकरी फिलअप कर रखी है। साथ ही साथ मैंने ले ली है एक मेरी डिश, डिश के अंदर डाल दिया है मैंने मरकरी, डिश के अंदर क्या डाल दिया मैंने, मरकरी डाल दिया। इस मरकरी वाली डिश के अंदर जैसे ही मैं अपनी ग्लास की ट्यूब डिप करता हूँ, अच्छा ग्लास की जो ट्यूब है वो एक साइड से जो है वो बंद है और एक साइड से यहाँ पे मैंने अभी रबड़ लगा रखा है। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, मैंने यहाँ से रबड़ हटा दिया, जैसे ही मैंने यहाँ से रबड़ हटाया होगा, कुछ ना कुछ तो मरकरी निकला होगा। जैसे ही थोड़ा सा मरकरी निकला तो वैसे ही ये थोड़ा सा डाउन आ गया, तो मरकरी इसके अंदर जा चुका है, मगर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा मरकरी नहीं निकल रहा है, पूरा का पूरा मरकरी ट्यूब से नहीं निकल रहा है, अगर पूरा मरकरी ट्यूब से नहीं निकल रहा तो उसको बैलेंस कर कौन रहा है, इस मरकरी के वेट को बैलेंस कर कौन रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ध्यान से, यहां पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे प्रेशर लग रहा है और ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पे जो रीडिंग शो होगी, ये जो ग्लास ट्यूब थी वो मान लीजिए कि 80 सेंटीमीटर की थी, मतलब 800 mm की थी, थोड़ा सा नीचे आ गया, यहां पे जो रीडिंग शो होगी वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तभी तो आप 1 ATM को 760 mm ऑफ Hg कहते हैं।
760 हाइट आई कहां से? इस एक्सपेरिमेंट से आई। हाइट आई कहां से? इस एक्सपेरिमेंट से आई। और मरकरी क्यों लिया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसमें क्या डाला था? मरकरी डाला था। मैंने इसके अंदर क्या डाला हुआ था भाई? मरकरी डाला हुआ था, इसीलिए मेरे पास 180 एम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg आया। और एक बात, 180 एम इक्वल टू 760 टॉर भी होता है, 760 टॉर भी होता है। तो ये टॉर आया मेरे पास साइंटिस्ट के नाम से। ये टॉर कहां से आया मेरे पास? साइंटिस्ट के नाम से आया। तो ये दो बातें बड़ी जरूरी थी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग ये बात जान चुके हैं कि 760 mm आया कहां से था। क्लियर हो गई बात? तो ये था मेरा बैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट। एक और बात याद आ गई है, इस पे एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। अरे भाई मेरा गुम हो गया है डस्टर। चलो कोई बात नहीं, काम चल गया है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है मेरे पास ln P by P naught का, वो है -mgh/rt। देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो P नॉट है, सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला दो प्रेशर का रिलेशन है। वो कौन से दो प्रेशर है? मेरे पास जो प्रेशर एल्टीट्यूड पे है, कुछ हाइट पे है, मेरे पास एक प्रेशर कुछ हाइट पे है और एक प्रेशर सी लेवल वाला है, एक प्रेशर हाइट वाला है और एक प्रेशर सी लेवल वाला है। उनके बीच जो रिलेशन है वो ये है, और ये बढ़िया बढ़िया पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं, ये प्रेशर वो हाई एल्टीट्यूड वाला है, प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड वाला है, और ये पी नॉट जो है प्रेशर एट सी लेवल वाला है, ये प्रेशर एट सी लेवल वाला है। ठीक है, इसके अंदर m जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, g ग्रेविटेशनल पुल है, h आपकी हाइट होगी। हाइट कैन बी इन माइल्स ऑल्सो, मैं बहुत ऊपर ले जाऊं तो हाइट कैन बी इन माइल्स ऑल्सो। r जो हो गया आपका 8.314 ले सकते हैं, और t जो आपका है वो टेम्परेचर है, वो आपको केल्विन में रखना है। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जिसमें मैंने दो प्रेशर का रिलेशन आपको समझा दिया, वो प्रेशर जो हाइट पे है गैस का और वो प्रेशर जो सी लेवल पे है। और इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं अपनी किसी अगली वीडियो में डाल दूंगा, इस वीडियो में नहीं डाल रहा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। उसका जो लिंक होगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जानने के लिए आगे देखते रहिए Atomic Study Center. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.